वेलकम टू गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप लोग इसी तरह से यूट्यूब चैनल देखिए। आज हम लोग फ्री में ऑनलाइन किस तरह से ब्रेजिंग होता है आज हम लोग देखेंगे। हमारे सर हैं नदीम सर, नदीम सर से भी जानेंगे को किस तरह से लड़के लोग को ब्रेजिंग कराते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं तो इन लोग को किस तरह से ब्रेजिंग करना के लिए मिलेगा। और ब्रेजिंग के बारे में आप लोग को बता दें कि ब्रेजिंग कहाँ करना पड़ता है और ब्रेजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, आज हम लोग नदीम सर से जानेंगे। हमारे ये बहुत काबिल सर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि 18-20 साल के एक्सपीरियंस गल्फ में रह चुके हैं, तो ये सेवा कर रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि लड़के लोग यहाँ से सीख करके काफ़ी दूर दूर तक जा चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में लड़के लोग हमारे गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लड़के लोग वहाँ पर हैं, कार्यरत हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन में किस तरह से ब्रेजिंग सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सर आप बताइए किस तरह से ब्रेजिंग लड़के लोग को सिखाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज हम अभी लैब में हैं, HBSE लैब में हैं, और हम प्रैक्टिकल ही लैब में हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और ख़ास तौर से हम कॉपर की ब्रेजिंग कैसे करते हैं उसको हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। चलिए, कॉपर की ब्रेजिंग जो होता है ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर यूज होता है थोड़ा सा बताएं। सर ये हमारी मेन पोजीशन जो हमारी एयर कंडीशन यूजेस जो होती है पूरी कॉपर से ही हमारी मशीन की कंप्लीट्स होती है, इसलिए ये कॉपर के लाइन पूरी जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। मसाला इसमें बहुत सारा पाइप यहाँ रखा हुआ है, तो पाइप का साइज बताएंगे। ये सर है कितना है? ये सर 316 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट सॉफ्ट ट्यूब है। सॉफ्ट ट्यूब है, साइज है 3x16। 3x16 है जी। ये वाला और ये है सर 3x4। और ये सॉरी सर ये 5x8 है और ये 3x4 है। ये 3x4 है जी सर। ये वाली ये हाफ सर, ये 1x2 है। ये सर 3x8 है। 3x8 सर। अब देखिए इस तरह का आपको पाइप बहुत सारा डिफरेंट पाइप आपको मार्केट में मिलेगा, आपको वहाँ से परचेस करके लाके यहाँ पर ब्रेजिंग करने के लिए मिलेगा। और ये वाली कौन सा है, कौन सा साइज? 1x4 का है ये सर, ये क्वार्टर साइज। यहाँ भी पाइप सब रखा हुआ है सर। ये हमारे जो ये पाइप दे रहे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। दिखाइए यहाँ पर सब लिखा हुआ है लड़के लोग को समझने के लिए, आप लोग भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए 1x1.1x8 लिखा हुआ, 7x8 लिखा हुआ है। ये सब जो है LH है, हार्ड लाइन है, ये सब हार्ड लाइन है। इसकी हार्ड लाइन है जो HBSE में हम लोग यूज करते हैं, और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत अच्छी मेटल की बनी होती है, जो सॉफ्ट से बहुत अच्छी कीमत की कीमत भी ज़्यादा होती है और इसकी टिकाव भी अच्छी होती है। ये जो पाइप है हार्ड लाइन पाइप है, ये आपका HBSE में यूज होता है। माशाल्लाह, आप लोग भी सुनते रहिए और देखते रहिए। और ये सॉफ्ट पाइप है, ये कहाँ यूज होता है? ये सर ये कम कैपेसिटी वाली मशीनों में जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनों में ज़्यादातर यूज होती है, वैसे हम HBSE में नहीं यूज कर पाए। ब्रेजिंग करने के लिए तो जानेंगे, लेकिन इसको यूज करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ थोड़ा बताएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट पाइप वेंडर वगैरह है सर। इसमें हमें पाइप को अगर हमको काटना है तो हमें ट्यूब कटर की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, जो हर साइड डिफरेंट टाइप की ट्यूब कटर का इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके बाद इस पाइप को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग किया जाता है, या फिर हम नट अगर लगाते हैं तो फ्लेयरिंग योक फ्लेयरिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको पूरी जानकारी देंगे। और हमारे स्टूडेंट जो है ये फ्लेयर करते आपको एयर कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, जो फ्लेयरिंग टूल से इस्तेमाल होती है। डिफरेंट टाइप का पाइप के बारे में जानकारी किए हैं कि किस किस साइज का पाइप लगता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, AC में कौन सा यूज होता है, HBSE में कौन सा यूज होता है। अभी जानेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सर से जानेंगे। सर आप बताइए कि ये वाला क्या है? सर ये ट्यूब बैंडर है। अच्छा, हम सॉफ्ट ट्यूब को हम बैंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला क्या है? ये सर ट्यूब कटर है, जो स्टैंडर्ड साइज है। इससे हम 5x8 तक का भी पाइप हम इससे काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, और इससे बड़े भी हम लोग यूज करते हैं, जो 7x8। कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सामने आकर दिखाइए। हाँ, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो ट्यूब कटर, ये बड़े वाले पाइप जो हेवी साइज के भी काट सकते हैं जी जी। और ये सर क्या है? ये सर ये फ्लेयरिंग ओक फ्लेयरिंग ब्लॉक हम जो इस्तेमाल करते हैं, हमारा फ्लेयर नट जिसे हमारे को ट्यूब के लिए इस्तेमाल की जाती है, हम ड्रायर स्टेनर फिल्टर या मशीन के वाल्व्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सब पाइप के बारे में? ये सर जब पाइप को हमें एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है तो हम एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, जो हर साइज की एल्बो मिलती है, और जॉइंटर मिलती है स्टेट जॉइंटर, जो हम एक दूसरे को पाइप को अगर बड़ा करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और हम लोग इसके बारे में जानेंगे ब्रेजिंग किस तरह से होता है, ब्रेजिंग कैसे करते हैं हम लोग जानेंगे।
अभी हम लोग देखेंगे ब्रेजिंग किस तरह से होता है। अभी हम लोग पाइप के बारे में जाने, पाइप का इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने, एल्बो के बारे में देखें कि किस तरह से आता है, एल्बो वगैरह होता है। अभी ब्रेजिंग किस तरह से होगा अभी हम लोग जानेंगे। सर ब्रेजिंग किस तरह से होगा थोड़ा सा? सर ब्रेजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे एयर कंडीशन में, क्योंकि ब्रेजिंग से ही हमारी पूरी गैस की सर्कुलेशन होती है। अगर पाइप को हम सही तरह से ब्रेजिंग नहीं करते हैं तो हमारा पूरा लॉस हो जाता है गैस का, इसलिए रेफ्रिजरेंट की लॉस होना, पूरी मशीन की मतलब चलना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ब्रेजिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है। ब्रेजिंग एक तरह का जी, ठीक है ना, वेल्डिंग, हाँ ये चीज़ है ब्रेजिंग का। तो आप थोड़ा सा बताएंगे अच्छा आपके स्टूडेंट सब ब्रेजिंग कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं ब्रेजिंग। क्या ये सारा चीज़ जो बताएं आपको कैसा लगा कि आपको समझ में आता है? तो अभी स्टूडेंट से जानेंगे कि किस तरह से ये ब्रेजिंग करते हैं, अभी देखेंगे, करके दिखाइए। देखिए किस तरह से ब्रेजिंग हो रहा है, लड़के लोग अपने से ब्रेजिंग करने मिल रहा है कि किस तरह से ब्रेजिंग हो रहा है और लड़के लोग को अपने से करने के लिए मिल रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लाइव वीडियो देखिए, सामने आइए थोड़ा दिखाइए। देखिए यहाँ भी ब्रेजिंग हो रहा है कि लड़के लोग किस तरह से ब्रेजिंग कर रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत आसानी से ब्रेजिंग इन लोग कर लेते हैं। और ये एक डेमो है कि किस तरह से ब्रेजिंग होता है फेस के साथ। हाँ ये देखिए किस तरह से ब्रेजिंग हो रहा है। आप लोग भी इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए, फ्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।